मैच नंबर 56 की है बारी। एक तरफ होगी कोलकाता नाइट राइडर्स तो दूसरी तरफ होगी राजस्थान रॉयल्स। आज कौन सी टीम पड़ेगी किस पर भारी? आज मजेदार मुकाबले की है बारी। बहुत ज्यादा राइमिंग हो गई शुरुआत में ही। कोलकाता नाइट राइडर्स अपना पिछला मुकाबला पंजाब किंग्स के खिलाफ खेली थी। एक एज ऑफ द सीट थ्रिलर मुकाबला हुआ था वो। अंतिम गेंद पर आकर रिंकू सिंह ने कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को जीत प्राप्त करवाई। और वहीं दूसरी ओर राजस्थान रॉयल्स भी एक क्लोज इनकाउंटर खेली थी। अंतिम गेंद पर बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया था मुकाबला राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद का। अब्दुल समद ने छक्का मारकर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को मुकाबला जितवाया। प्लेऑफ्स की रेस स्टार्ट हो चुकी है। आज जो टीम मैच जीतेगी कहीं ना कहीं बढ़त बना लेगी बाकी टीम्स के ऊपर। चलिए शुरुआत से बात करते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स पंजाब किंग्स के खिलाफ पिछला मुकाबला ईडन गार्डन्स में खेली थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों ने अच्छी खासी बल्लेबाजी की, पार टोटल लगा दिया था कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के सामने। पहले गेंदबाजी करते हुए कोलकाता के लिए वरुण चक्रवर्ती ने लाजवाब गेंदबाजी की। वरुण चक्रवर्ती 3 विकेट्स लेने में सफल रहे। जिस तरीके से सीजन वरुण चक्रवर्ती ने गेंदबाजी की है तारीफ के काबिल रहा है उनका परफॉर्मेंस। इसी तरीके से अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं वो तो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को कहीं ना कहीं प्लेऑफ्स तक पहुंचवा सकते हैं। पिछले साल 2022 में वरुण चक्रवर्ती ने 11 मुकाबलों में मात्र 6 विकेट्स लिए थे और इस साल 11वें मुकाबले तक 16 विकेट्स चटका चुके हैं वरुण चक्रवर्ती। लाजवाब प्रदर्शन रहा है, 10 ज़्यादा विकेट्स लिए उन्होंने पिछले साल के मुकाबले। इसी तरीके से अगर अच्छा प्रदर्शन करते रहेंगे तो अपनी दावेदारी भारतीय टीम के लिए भी प्रस्तुत करेंगे वरुण चक्रवर्ती। उनका साथ निभाया हर्षित राणा ने। हर्षित राणा ने शुरुआत में अच्छी गेंदबाजी की और 2 विकेट्स लेकर दिए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को। गेंदबाजों ने में खासा जोर लगाया और नितिश राणा दोनों को ही एक एक विकेट प्राप्त हुआ। नितिश राणा तो जाइंट किलर हैं। जिस तरीके से नितिश राणा जब गेंदबाजी करते हैं बड़े बड़े बल्लेबाजों को फंसाने में एक्सपर्ट हैं वो। जिस तरीके से उन्होंने पिछले मुकाबले में भी गेंदबाजी की, ज़्यादा ओवर नहीं फेंके मगर उसके बावजूद भी एक विकेट लेने में सफल रहे नितिश। कहीं ना कहीं बल्लेबाज उनके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ तेज़ रन बनाने की कोशिश करते हैं और उसका फ़ायदा मिलता है नितिश राणा को। कहीं ना कहीं बल्ले के साथ और गेंद के साथ दोनों के साथ ही अच्छा प्रदर्शन हो रहा है नितिश का। इसी तरीके से बेहतरीन प्रदर्शन करते रहेंगे राणा तो वो अपनी टीम को क्वालिफिकेशन तक पहुँचवा सकते हैं। जब बल्लेबाजी करने के लिए कोलकाता की टीम आई तब जेसन रॉय ने एक ताबड़तोड़ शुरुआत दे दी थी। जिस तरीके से जेसन रॉय बल्लेबाजी करते हैं, स्पिन और पेस दोनों को इक्वली ट्रीट करते हैं, फ्री फ्लोइंग अंदाज में खेलते हैं, कभी भी ऐसा नहीं लगता कि वो टिमिड अप्रोच के साथ खेल रहे हों या वो प्रेशर में हों। जिस तरीके से पिछले मुकाबले में बल्लेबाजी की, पंजाब किंग्स को शुरुआती ओवर्स में धकेल दिया था उन्होंने बैकफुट पर, मगर पंजाब किंग्स भी एक स्ट्रॉन्ग टीम है। पंजाब किंग्स ने कमबैक किया रहमतुल्ला गुरबाज और जेसन रॉय को आउट करके। नितिश राणा ने कप्तानी पारी खेली, 50 लगाई, अंडर प्रेशर आकर अपनी टीम को एक ऐसी कंडीशन में लेकर आए जहां से वो जीत सकते थे। बाकी बचा हुआ काम रिंकू सिंह और आंद्रे रसेल ने कर दिया। आंद्रे रसेल मैन ऑफ द मैच रहे थे। जिस तरीके से सैम करन इस सीजन के या कहें इस आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी को उन्होंने इतने आराम से मारा जैसे वो गली क्रिकेट में खेलते हो। इस तरीके से सैम करन के खिलाफ एक ही इंटेंट के साथ खेले आंद्रे रसेल। 19वां ओवर था पारी का और वो जानते थे कि इस ओवर में अगर रन नहीं आए तो लास्ट ओवर में प्रेशर आ जाएगा, बहुत सारे रन बच जाएंगे स्कोर करने के लिए। और उसी इंटेंट को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने लाजवाब बल्लेबाजी की, अच्छे खासे शॉट्स लगाए उन्होंने सैम करन को। जिस तरीके से रसेल ने बल्लेबाजी की अब वापस से फॉर्म में आ गए हैं वो, तो राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजी क्रम को बच के रहना होगा रसेल से। अंतिम गेंद पर रिंकू सिंह ने अपनी टीम को मुकाबला जिता दिया। एक अच्छा ओवर फेंक रहे थे अर्शदीप सिंह, प्रेशर बिल्ड हो गया था, रनआउट हुए आंद्रे रसेल। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि कोलकाता की टीम फंस गई है, मगर रिंकू सिंह फिर से द आइसमैन रिंकू नाम रख देना चाहिए रिंकू सिंह का। जिस तरीके से ठंडे दिमाग के साथ खेलते हैं रिंकू सिंह, प्रेशर आने ही नहीं देते बिल्कुल अपने ऊपर। एक और मुकाबला जिता के दिया है उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को। मुझे तो लग रहा है कि अब भारतीय टीम की टोपी भी बहुत जल्दी मिल सकती है उन्हें। भारतीय से अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं वो, डोमेस्टिक सीजन में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था, कोलकाता ने उन्हें रिटेन किया उसी अच्छे प्रदर्शन के चलते। अब आईपीएल में बड़े बड़े गेंदबाजों के खिलाफ, बड़े बड़े दिग्गजों के खिलाफ उन्होंने जिस तरीके से बल्लेबाजी की है सभी को इम्प्रेस किया अपने प्रदर्शन के साथ।
दूसरी ओर राजस्थान रॉयल्स अपना पिछला मुकाबला खेली थी सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ अपने ही घर पर। राजस्थान रॉयल्स इस सीजन की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम्स में से एक थी, मगर अब राजस्थान रॉयल्स की टीम ऑफ द ट्रैक नज़र आ रही है कम्प्लीटली। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान के ओपनर्स ने इतनी अच्छी शुरुआत दे दी थी राजस्थान रॉयल्स की टीम को कि उसके ऊपर कैपिटलाइज ही करना था आने वाले बल्लेबाजों को। 214 रन्स बनाए राजस्थान की टीम ने, जिसमें यशस्वी जायसवाल ने ओपनिंग करते हुए एक लाजवाब स्टार्ट दे दिया था। जिस इंटेंट के साथ यशस्वी खेल रहे हैं, तेज़ खेलते हैं, एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, और जॉस बटलर को शुरुआत में समय लेने का मौका मिलता है। जब बटलर ने 95 रन की एक पारी खेली, एक बेहतरीन पारी थी, अंत में आते हुए थोड़े स्लो गए थे। अगर जॉस बटलर उसी तेज़ तरीके से खेलते तो कहीं ना कहीं 230 भी बना सकती थी राजस्थान रॉयल्स की टीम। उनका लाजवाब साथ निभाया कप्तान संजू सैमसंग ने, 68 रन की एक पारी खेली संजू ने। जिस तरीके से बल्लेबाजी की है कुछ मुकाबलों में संजू ने, बहुत ही लाजवाब देखे। जिस तरीके से स्पिनर्स के ऊपर उन्होंने हल्ला बोला था वो बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। एक इनसाइड आउट मारा था एक बहुत प्यारा उन्होंने, बहुत ही एक सुंदर दिखने वाले बल्लेबाज हैं वो। जब बल्लेबाजी कर रहे होते हैं तब मन करता है उन्हें बैटिंग करते देखने का। 215 रन बोर्ड पर हों तब दूसरी बल्लेबाजी करने वाली टीम थोड़ी प्रेशर में आती ही आती है, मगर राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों ने खासा निराश किया। शुरुआत में विकेट्स नहीं मिले, ट्रेंट बोल्ट नहीं खेल रहे थे, तो पावर प्ले में विकेट मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया था राजस्थान रॉयल्स की टीम को। यूजी चहल ने आकर अपना 100% दिया, 4 विकेट्स चटकाए 4 ओवर्स में। जिस तरीके से यूजी ने गेंदबाजी की बहुत ही लाजवाब रहा उनका प्रदर्शन। एक विकेट रविचंद्रन अश्विन को भी मिला था और एक कुलदीप को भी मिला था। कुलदीप ने जिस तरीके से 19वें ओवर में गेंदबाजी की, ग्लेन फिलिप्स को ज़रूर आउट किया उन्होंने, मगर बहुत ज़्यादा रन्स खा गए वो उस ओवर में। कहीं ना कहीं वो ओवर निर्णायक हो गया था सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। जिस तरीके से गेंदबाजी हुई निराशाजनक था राजस्थान रॉयल्स की टीम की। अंतिम दो ओवर्स में 43 रन्स पड़े राजस्थान के गेंदबाजों को। अंतिम ओवर में 19 रन्स और 19वें ओवर में 24 रन्स पड़े थे कुलदीप को। संदीप शर्मा ने अच्छी गेंदबाजी की थी, रोक के रखा था अब्दुल समद को, कैच छूट गया था समद का ओबेन मकोय से। बहुत ईजी कैच था वो, पता नहीं कैसे छोड़ दिया ओबेन मकोय ने, बहुत सरप्राइजिंग था वो कैच छूटना उस पल पे। और फिर अब्दुल समद ने अंत में आके मुकाबला जता दिया। अंतिम ओवर पर, अंतिम गेंद पर 5 रन चाहिए थे, जॉस बटलर ने कैच भी पकड़ लिया। सबको लगा राजस्थान रॉयल्स मुकाबला जीत गई है, मगर नो बॉल फेंक चुके थे संदीप शर्मा जब थर्ड एम्पायर ने चेक किया, तब नो बॉल थी वो। और कहीं ना कहीं राजस्थान रॉयल्स के लिए वो बहुत ही ख़राब पल था। उसके बाद अब्दुल समद ने अंतिम गेंद पर नर्व्स होल्ड करके रखे और छक्का लगाकर अपनी टीम को मैच जिता दिया। जिस तरीके से राजस्थान रॉयल्स का जो डिप आया है वो कहीं ना कहीं बहुत ही निराशाजनक होगा उनकी टीम के लिए, मगर बहुत आसानी से जीतने वाले मुकाबले हारी है राजस्थान रॉयल्स इस सीज़न में। चाहे वो लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ वो मुकाबला उन्होंने हारा हो, गुजरात टाइटन्स के खिलाफ जो दूसरा मुकाबला हुआ तो उसमें बहुत निराशाजनक परफॉर्मेंस किया था उन्होंने। कहीं ना कहीं वो मुकाबले अब लौट कर आ रहे हैं, वो जो हार मिली उन्हें उन मुकाबलों में वो अब नुकसान दे रही है राजस्थान रॉयल्स की टीम को। कुछ ऑर्डिनरी करना होगा राजस्थान रॉयल्स का अगर उन्हें क्वालिफाई करना है तो। प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर की बात कर लेते हैं आज के मुकाबले में। मुझे लगता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए आज भी वरुण चक्रवर्ती कुछ अच्छा प्रदर्शन करके दिखा सकते हैं। वरुण ने ईडन गार्डन्स में ही बेहतरीन प्रदर्शन किया था, 3 विकेट चटकाए थे। मुझे लगता है कि आज वरुण चक्रवर्ती राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों को भी खासा तंग कर सकते हैं। यूजी चहल राजस्थान रॉयल्स के लिए मेरे हिसाब से मेन खिलाड़ी होंगे, उन पर सभी की निगाहें टिकी होंगी। जिस तरीके से यूजी ने इस सीज़न गेंदबाजी की है, राजस्थान के लिए एकमात्र ऐसे गेंदबाज लगे हैं जो फॉर्म में दिखे हैं, और जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस रहा है मैच प्रति मैच वो इम्प्रेस करते आ रहे हैं। पिछले सीज़न में पर्पल कैप रही थी उनके सर पे, इस सीज़न में भी अच्छा प्रदर्शन रहा है। और एक्स्ट्रा कुछ करना होगा यूजी चहल को अगर राजस्थान रॉयल्स की टीम को क्वालिफिकेशन तक पहुंचाना है तो। अगर विजेता पिक करना हो आज के मुकाबले में तो बहुत ही टफ है। कहीं ना कहीं आज का मुकाबला जो टीम जीतेगी वो प्लेऑफ्स में मुझे लगता है कि पहुंच जाएगी। आज टफ होगा दोनों ही टीम्स के लिए, अपना 150% देना होगा दोनों टीम्स को अगर क्वालिफाई करना है तो। जिस तरीके से अगर हम पास्ट चेक करें, पास्ट में जाएं, तो कोलकाता नाइट राइडर्स की बढ़त रही है राजस्थान रॉयल्स के ऊपर हमेशा से। 27 मुकाबले खेली हैं दोनों टीम्स, 14 बार कोलकाता नाइट राइडर्स जीती है और 12 बार राजस्थान रॉयल्स जीती है। एक मुकाबला ऐसा हुआ था जो मैच स्टार्ट ही नहीं हो पाया था बारिश की वजह से,
तो कहीं ना कहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के पास है थोड़ी सी एज, और मुझे लगता है कि आज का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स हरा देगी राजस्थान रॉयल्स को। कोलकाता अपने गढ़ पर खेल रही है ईडन गार्डन्स में, जिस तरीके से पिछला मुकाबला पंजाब किंग्स के खिलाफ वो खेले और वो जीते, मेरे हिसाब से कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा रहा होगा उनकी टीम के लिए। एक बहुत ही कठिन परिस्थिति में से आके मुकाबला जीती थी कोलकाता की टीम, आज राजस्थान रॉयल्स जैसी एक स्ट्रॉन्ग टीम को हराती दिख रही है मुझे। केकेआर जिस तरीके से पूरे सीजन में खेली थी, केकेआर खराब परफॉर्मेंस रहा था शुरुआत में, मगर अब कमबैक कर चुके हैं, और मुझे लगता है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आज राजस्थान रॉयल्स को मुकाबला हरा देगी। राजस्थान अपनी गलतियों की वजह से मुझे लगता है कि क्वालिफिकेशन से बाहर हो जाएगी आज का मुकाबला हार कर। कहीं ना कहीं राजस्थान रॉयल्स ऐसी एक स्ट्रॉन्ग टीम प्लेऑफ्स में रहती तो और इंटरेस्टिंग होता प्लेऑफ्स का सफ़र, मगर जो टीम्स प्लेऑफ्स में पहुंचेंगी वो मुझे लगता है ज़्यादा डिजर्विंग होंगी राजस्थान रॉयल्स से। अगर आज राजस्थान रॉयल्स को मुकाबला जीतना है तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा, वरना मुझे लगता है कि केकेआर आज का मुकाबला जीत जाएगी। ये था राजस्थान रॉयल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स का प्रीव्यू। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।